क्या आप जानते हैं इंडिया में हर साल करीब 50 किलोग्राम खाना हर व्यक्ति के हिसाब से हर साल वेस्ट होता है। और अगर हम इसी तरीके से पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में लगभग 931 मिलियन टन खाना हर साल वेस्ट होता है। अभी हाल ही में ग्लोबल फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसके अनुसार हाउसहोल्ड फूड वेस्ट पैदा करने में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, जबकि पहले स्थान पर विश्व में चाइना है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उसका आधा भाग हर साल वेस्ट करते हैं, और इसके साथ ही जितना खाना कंज्यूम होता है उसका एक तिहाई भाग हर साल वेस्ट हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि हर साल लगभग 690 मिलियन लोग भूखे रह जाते हैं। एक और रिपोर्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के हिसाब से इंडिया 2015 में 93 नंबर पर था, जो अब लुढ़ककर 102 नंबर पर आ गया है। भारत में भुखमरी की स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। रैंकिंग में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका सभी इंडिया से ऊपर आ चुके हैं। क्या आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का 10% सिर्फ अकेले फूड वेस्ट से ही उत्पन्न होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए खाने की बर्बादी भी जिम्मेदार है। रिपोर्ट के अनुसार वेस्ट खाने का अगर आप एक चौथाई भाग भी बचाते हैं तो उससे लगभग 870 मिलियन लोगों को खाना खिलाया जा सकता है, जिससे खाना वेस्ट होने से तो बचेगा ही, साथ में भुखमरी में भी कमी आएगी। तो नेक्स्ट टाइम खाना वेस्ट करने से पहले या फेंकने से पहले एक बार ये जरूर सोचें कि आप भुखमरी में कितना योगदान कर रहे हैं। इसके साथ ही आप ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए और साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए, जिससे जागरूकता आए। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते हैं।